2019 के अंदर बसपा और सपा के मजबूत गठबंधन से बहुत उम्मीदें थी जनता को, लेकिन वह उम्मीदें खरी नहीं उतरी, लिहाजा पार्टियों ने बहुत बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर यूपी में संगठन में बदलाव किया है। सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हुए दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यकों की टीमें बनाई गईं। इस टीम के जिम्मे 2022 में फतेह की जमीन तैयार करनी है। नई व्यवस्था में हाल में मेरठ के मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश मायावती ने की थी। अब मुनकाद अली की जिम्मेदारियां और बढ़ा दी हैं। मुनकाद अली के साथ पिछड़े समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा और दलित समाज के एमएलसी भीमराव अंबेडकर को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी के मुताबिक विधानसभा उपचुनाव के बाद तीनों कोऑर्डिनेटर संयुक्त तौर से मंडल स्तर पर समीक्षा कर 2022 के चुनाव के लिए तैयारी परखेंगे और कमजोरी को दूर कर जमीन तैयार करेंगे। डीएसपी पार्टी के अंदर फेर बदल करते हुए ये परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसमें कई नेताओं के ओहदे भी कम कर दिए गए हैं। नेताओं के काम करने का दायरा कम कर बारीकी से जुटने की नीति अपनाई गई है। तीन मंडल की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, यानी तीनों तीन तीन मंडल पर कोऑर्डिनेटरों का जिम्मा संभालकर संगठन चलाने वालों को अब एक एक मंडल जोन पर लगाया गया है। सिर्फ वेस्ट यूपी के प्रभारी शमशुद्दीन राइन को चारों मंडलों मेरठ, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद में रखा गया है। इसी तरह पार्टी के अनुषांगिक संगठन बहुजन वॉलंटियर फोर्स का मंडल स्तर का पद खत्म कर दिया गया है। जिला और विधानसभा स्तर पर पद बरकरार रहेगा। मेरठ सहारनपुर मंडल में इनको मिली जिम्मेदारी। मेरठ मंडल में शमशुद्दीन राइन के साथ अब कमल सिंह राज, सतपाल पी पाला, वीरेंद्र एडवोकेट को मंडल को ऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि अभी तक कमल राज, सतपाल और वीरेंद्र तीन तीन मंडल का जिम्मा संभालते थे। मेरठ मंडल के 6-6 जिलों में 2-2 को ऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, जिनमें से मेरठ में जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश काजीपुर, महावीर प्रधान, जिला गाजियाबाद के लिए ओमवीर सिंह और सिंहराज, हापुड़ के लिए तिलक चौधरी और पिंटू जाटव, गौतम बुद्ध नगर के लिए दीपक बुद्ध और किशन इंदौरिया, बुलंदशहर और के लिए राजेंद्र गौतम और यशपाल गुरुजी, बागपत के लिए डॉक्टर गोविंद और महेंद्र कश्यप को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इन सभी तैयारियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2022 के चुनावों में बसपा मजबूत प्रदर्शन दिखा पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।